2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो मैंने रात को ही चावल और उड़द का दाल को फुला कर रख दिया था, और इसे सुबह में देखिए इस तरह से हमने मिक्सर जार में पीस लिया। तो देखिए इस तरह का हमें घोल बनाना है। हम अब डोसा बनाएंगे, तो डोसा बनाने के लिए इसमें हमने मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला यहाँ पर आलू का मेस करके रखा है, और मसाला में मिलाएंगे हम इसमें कुछ सामग्री को यहाँ पर कट करके रख लिया है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने पेन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर गर्म हो जाने पर हम इस पर डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हम इसमें भी डालकर अच्छी तरह इसे भी झाँस निकलने तक गरम करेंगे। फिर इसमें आधा चम्मच जैसा हम डालेंगे राई, और राई के चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 5-6 कड़ी के पत्ते। कड़ी के पत्ते डालने के बाद अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ कुछ प्याज, अदरक का कद्दूकस किया हुआ, और साथ ही साथ हरा मिर्च। इतने चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह इसे भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। फिर इसमें हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, और इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे, थोड़ा मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम मसाला तैयार कर रहे हैं डोसा का। तो फिर सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फिर इसे कुछ देर तक गोल्डन ब्राउन होने तक रहने देंगे। अब इसमें हम कुछ बादाम के दाने डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बादाम डाला है। अब बादाम को भी इसके साथ भूनेंगे ताकि बादाम का भी कच्चापन दूर हो जाए। अब सारे चीज़ों को गैस के फ्लेम कम करके इसे भूनते जाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से एक दूसरे से मिल जाए, और प्याज भी और बादाम भी अच्छी तरह से यहाँ पर भुना जाए। तो फिर सारे चीज़ हो जाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें आलू जो मैश करके हमने रखा था, तो उसे अब डाल देंगे। अब इसी समय हम इसमें नमक भी डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम थोड़ी देर इसे अच्छे से भुनेंगे। के फ्लेम को कम करके हमें डोसा का मसाला भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है, और यहाँ पर हमारा डोसा के लिए मसाला तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। मुझे डोसा में धनिया पत्ता पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं डालेंगे, उसे इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डोसा के लिए आलू का मसाला बनकर रेडी है। अब हम गैस में पतला वाला पेन चढ़ाएँगे जिसे आप डोसा बना सकते हैं। तो चलिए हम पेन को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। अब डोसा के बैटर को इसमें हम डालेंगे, और इस तरह गोल गोल घुमाते हुए आप अपने हिसाब से इसे पतला या मोटा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैटर को पसार दिया है। फिर इसे कुछ देर के बाद ऊपर से तेल लगाएंगे, और देखेंगे कि नीचे की ओर से ये जला नहीं है और पक चुका है। अगर ये नीचे की ओर से पक चुका है तो फिर इसमें हम मसाला लगाएंगे ऊपर की ओर। तो इस तरह से हम इसमें अपने अंदाज अनुसार ज़्यादा कम मसाला लगा सकते हैं, और सारे मसालों को डालकर इसमें थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसमें मसाला दब जाए और अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा पहला मसाला डोसा बनकर रेडी है। इसी तरह हम बाकी का भी 1 बाय 1 करके मसाला डोसा अपने हिसाब से पतला मोटा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस रेसिपी को लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।